हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 22nd और 23rd अगस्त के करंट अफेयर्स को करेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है। इन विच स्टेट द कैंपेन इन द नेम ऑफ अ संकल्प बुजुर्गों हैज बीन लॉन्च। और ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसको शुरू किया है। उनका इसको शुरू करने के पीछे कैंपेन को क्या मोटिव था? उन्होंने एक कमिटमेंट दिया था, फॉर एल्डर्स इज प्रूविंग टू बी अ बून फॉर एल्डरली एंड हेल्पलेस पीपल लिविंग अलोन इन होम। जो अकेले अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए कैंपेन उन्होंने शुरू किया। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम, मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो हमारी गवर्नर है उनका नाम क्या है? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, अब इसके प्रति देखते हैं। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं से मध्य प्रदेश सरकार की बात, और संकल्प लेता हूँ यानी कि संकल्प बुजुर्गों के नाम इन्होंने एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव एग्जम्पशन फ्रॉम ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स टू ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड सोल्जर्स को। और वो कौन सी सरकार ने बोला है? वो बोला है महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि हम इनको क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। और यहाँ की जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अब ये जो डिसीजन लिया गया है ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो वहां के स्टेट की हैं उनके द्वारा लिया गया है, जिनका नाम है दादाजी भूसे। यहाँ लिख देती हूँ इनका नाम, दादाजी भूसे, इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आतंकवाद के पीड़ितों की याद में और श्रद्धांजलि देने का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट एंड पे ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। और ये दिन मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। टू ऑनर एंड सपोर्ट द विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ टेररिज्म एंड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द फुल एंजॉयमेंट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। और ये दिन मनाया जाता है 21 को। अब इसके लिए देखते हैं, 21 बार ट्रिब्यूट दो तुम उन विक्टिम्स को, यानी कि 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? Which cricketer has been awarded the National Sports Award 2020? और ये पुरस्कार 2020 के अंदर दिया गया है रोहित शर्मा को। किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है। इससे पहले ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर को, MS धोनी को और विराट कोहली को मिल चुका है। मतलब हमारे रोहित शर्मा जी जो है फोर्थ क्रिकेटर बने हैं जिनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new election commissioner of India? और हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है उनका नाम क्या है? अशोक लवासा जी। इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड अशोक लवासा। ठीक है, अब इसके प्रति देखते हैं। राज कर अब इलेक्शन जीत कर अशोक से, यानी कि राजीव कुमार हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक लवासा जी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स इक्वी एंड टेंसेंट
पर बैन लगा दिया है. द कंट्री दैट बैन चाइनीज एप्स साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी, जिसने हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चाइनीज ऐप को बंद किया है या बैन लगाया है, और वो देश कौन सा है? वो देश है ताइवान. कौन सा है? ताइवान. ताइवान की कैपिटल और करेंसी हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस भी की थी, वापिस से देख लेते हैं. ताइवान की कैपिटल है तैपेई, और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? डॉलर. जिसकी हमने ट्रिक लिखी थी, ताई ने डोल को टेप से टेप लगाई, ताई ने डोल को टेप लगाई, यानी कि ताइवान, डॉलर और तैपेई. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं. ताई सब सिक्योर कर रही है चाइना से अब, यानी कि ताइवान चाइनीज एप्स को बैन कर रहा है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? Which state has partnered with Israel to solve Bundelkhand water crisis? और ये कौन सी सरकार कर रही है? हमारी राज्य सरकार है, यूपी सरकार कर रही है. यूपी सरकार इजराइल के साथ ही पार्टनरशिप कर रही है ताकि जो बुंदेलखंड जल संकट है उसको दूर किया जा सके. ठीक है, अब इजराइल की सबसे पहले कैपिटल और करेंसी. इजराइल की कैपिटल और करेंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जेरूसलम और शेकेल. यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है यानी कि इजराइल के, उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू. और यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम है रेवलिन. अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं. बंदा बड़ा रियल है तू. बंदा से बुंदेलखंड वाटर क्राइसिस की बात हो रही है, रियल से इसराइल की बात हो रही है, यू से उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश और इसराइल ने एक साझेदारी की है या एक पार्टनरशिप की है बुंदेलखंड जल संकट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑल राउंडर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेट टीम ऑल राउंडर लोरा मार्श हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. और वो कहाँ की खिलाड़ी है, किस देश की खिलाड़ी है? वो है इंग्लैंड की खिलाड़ी. कहाँ की है? इंग्लैंड की खिलाड़ी है. अब इसकी ट्रिक देखते हैं. लो इंग्लिश बोलती है, यानी कि लोरा मार्श इंग्लैंड की जो क्रिकेटर है, टीम क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है, उन्होंने क्या बोला है कि वो संन्यास ले रही है. ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, किस कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप का लॉन्च किया है? Which company has launched the Kormo Job app to help people in India find jobs? और वो कौन सी कंपनी ने किया है? वो की है गूगल ने. गूगल के हमारे सीईओ, इनका नाम क्या है? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई. ठीक है, अब ये क्या करेंगे? टू हेल्प पीपल फाइंड एंट्री लेवल जॉब्स, ताकि उनको हेल्प कर पाए एंट्री लेवल जॉब्स के लिए. अब इसकी ट्रिक देखते हैं. गो कर्म करो जॉब लगेगी, यानी कि गूगल ने क्या लॉन्च किया है? कोरमो जॉब ऐप लॉन्च किया है ताकि लोगों को हेल्प कर पाए जॉब की तलाशने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? इंडियन कैप्टन विराट कोहली रिटेन व्हाट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ बैट्समैन इन द लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? और सेम पोजीशन पे रहे हैं और ये रहे हैं सेकंड. किस पोजीशन पे रहे हैं? सेकंड पे रहे हैं. और इसके अंदर जो बैट्समैन की कैटेगरी के अंदर नंबर वन पे रहे हैं उनका नाम है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, जिनका नाम है, यहाँ लिख देती हूँ, जिनका नाम है स्टीव स्मिथ. ये रहे हैं नंबर वन पे बैट्समैन की कैटेगरी में, और सेकंड पे कौन है? विराट कोहली जी. और
अगर मैं बात करूं अमंगेस्ट बॉलर की बात करूं तो उसके अंदर जसप्रीत बुमराह जी नाइन्थ पोजीशन पे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह क्या रहे हैं, नाइन्थ पोजीशन पे रहे हैं। अगर बैट्समैन की बात करूं तो विराट कोहली इंडियन टीम से सेकंड पे, और बॉलर की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह जी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। When is goodwill day is celebrated? और goodwill day कब मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। इसकी ट्रिक आपको अगले वाले पॉइंट के साथ बता देती हूँ, क्योंकि वो भी क्या है, डेट्स की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और ये दिन मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, और इस साल की इनकी जो थीम थी वो थी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एल्डर अब्यूज और हर्ट। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, 20 साल से गुडविल बनी हुई है उस सीनियर सिटीजन की, 20 साल से उस सीनियर सिटीजन की क्या बनी है, गुडविल बनी है। यानी कि 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हमारा गुडविल डे मनाया जाता है, और सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है, उसका अगला दिन यानी कि 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है, सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लुइस एबिंडर हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लुइस एबिंडर has recently been elected the new president of which country? और ये कहाँ के नए हमारे राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं डोमिनिक रिपब्लिक के। कहाँ के बने, डोमिनिक रिपब्लिक के बने हैं। यहाँ की कैपिटल और करेंसी, यहाँ की कैपिटल क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ की कैपिटल है सेंट्रो डोमिंगो, और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है, पैसो, करेंसी है पैसो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं, डोमिनेट मत करो लुइस को तुम। डोमिनेट से डोमिनिक रिपब्लिक की बात, और लुइस से लुइस एबिंडर की बात, जो क्या बने हैं, यहाँ के हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में जिस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की है। Recently, in which country a turtle bone with golden shell has been discovered? और ये कहाँ पे discover किया गया है? ये किया गया है नेपाल के अंदर। कहाँ किया गया है? नेपाल के अंदर। नेपाल के हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ उनका नाम है ओपी कोहली जी, और वहाँ के हमारे राष्ट्रपति, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी जी। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं, नई टर्टल है वहाँ, यानी कि नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020, और वो कौन सी सिटी है, वो है इंदौर। लास्ट ईयर भी इंदौर रही थी इस पे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के अंदर। ये लगातार एक तरह से मैं बताऊं तो फोर्थ टाइम है इनका, फोर्थ ईयर इन अ रो, यानी कि लगातार 4 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की कैटेगरी में, क्लीनलीनेस की कैटेगरी के अंदर इंदौर आ रही है नंबर 1 पे। ठीक है, इसमें सेकंड पे है गुजरात, और थर्ड के अंदर महाराष्ट्र की नवी मुंबई है, थर्ड के अंदर महाराष्ट्र की नवी मुंबई है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, अंदर सब क्लीन है, यानी कि इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड पे इसको क्या बोला गया, आप फर्स्ट प्लेस पे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज विशेष सुविधा शुरू की है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज स्पेशल फैसिलिटी, और ये कौन सी बैंक ने शुरू किया है, ये बैंक है हमारा HDFC बैंक ने इसको शुरू किया है। ठीक है, सबसे पहले HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। HDFC बैंक के MD एंड CEO जिनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, अब इसकी टैगलाइन क्या है, HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड।
जो उन्होंने ये बैंक ने फैसिलिटी शुरू की है, इसका मेन पर्पस क्या था? यू कैन प्लेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑनलाइन एंड गेट एन ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट इन योर अकाउंट एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, रिटेंशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रिटर्न विदाउट लिक्विडेशन एंड मोर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हाउस के लिए सिक्योरिटी रखो तो लोन मिल जाएगा, यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक्सपेंसिव फैसिलिटी एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है। एचडीएफसी मैंने हाउस इसलिए बोला क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लॉन्च द टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ ट्राई फूड प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र रायगढ़ एंड छत्तीसगढ़ जगदलपुर। भारत के उस आदिवासी मंत्री का नाम बताइए जिसने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना के थर्ड एडिशन को इसका जो है शुरू किया गया है। और ये किन्होंने किया है? पहली बात, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी। हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जमशेदपुर झारखंड। मैं लिख देती हूँ जमशेदपुर झारखंड। ठीक है, देखो ट्राइबल मिनिस्टर है तो इन्होंने ट्राई फूड प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु लॉन्च्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईट राइट इंडिया हैंडबुक रिसेंटली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में ईट राइट इंडिया हैंडबुक का शुभारंभ किया है। और ये शुभारंभ किन्होंने किया है? ये किया है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, अब जब इन्होंने ये लॉन्च किया उस टाइम वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वहां पे प्रेजेंट थे, जिनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे जी, जो वहां के हमारे क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जिनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे जी। अब इन्होंने जो ईट राइट इंडिया हैंडबुक लॉन्च की है, इसका मेन पर्पस क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस द पीपल अबाउट सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइटरी हैबिट्स। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हर्ष ईट करता है सेफ सेफ फूड। हर्ष ईट करता है सेफ सेफ फूड, यानी कि हर्षवर्धन जी ने ईट राइट इंडिया हैंडबुक का शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज लॉन्च्ड एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन। ये हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एलिफेंट नॉट कमोडिटीज। उस संगठन का पता लगाइए जिसने हाथी वस्तुओं का नहीं नामक रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट किन्होंने जारी की है? देखो, एलिफेंट एनिमल यानी कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने हाईलाइट किया था दैट ओवर 200 एलिफेंट्स इन इंडिया आर कैप्ट इन एडवोकेट कंडीशन। मतलब अब जो है इन एडवोकेट कंडीशन के अंदर सिर्फ 200 एलिफेंट रह गए हैं हमारे। और इन्होंने जो ये रिलीज किया रिपोर्ट, ये इस बार के थर्ड एडिशन था। अब इसके ट्रिक देखते हैं। अपने एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करो, अपने एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करो, यानी कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने एक रिपोर्ट जारी की है, एनिमल्स नॉट एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द फर्स्ट फॉरेन
एशियन बैंक टू लॉन्च अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? और पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है? HSBC बना है। HSBC के MD और CEO का नाम, इनका नाम है सुरेंद्र रोशा। क्या नाम है? सुरेंद्र रोशा जी। मैं लिख देती हूँ, सुरेंद्र रोशा। अब इन्होंने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो शुरू किया है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट विल बी अवेलेबल इन रुपी एज अ फिक्स्ड टेन्योर टर्म डिपॉजिट एट अ प्री एग्रीड रिटर्न एंड विल ऑफर सिमिलर लेवल ऑफ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन एज अ बैंक डिपॉजिट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सुरेंद्र ने ग्रीन सिग्नल बनाया बैंक के लिए। सुरेंद्र ने ग्रीन सिग्नल बनाया बैंक के लिए, यानी कि HSBC बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। और इसके जो MD और CEO है, जिनका नाम है सुरेंद्र रोशा जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वॉज अटेंडेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली। संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया था? और इस बार का कौन सा एडिशन था? ये एडिशन था 5th एडिशन था, यानी कि 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो स्पीकर की थी वो अटेंड की है हमारे ओम बिरला जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अगर इसकी ट्रिक देखने तो ट्रिक बता देती हूँ। ओम 5 बार स्पीकर बना, यानी कि 5th एडिशन जो है इन्होंने स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस को हेल्प किया है। अगला, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत जी ने। किन्होंने लिखी है? चेतन भगत ने। और इन्होंने बोला है कि ये बुक कब रिलीज की जाएगी? 28 सितंबर 2020 को रिलीज की जाएगी। इसकी ट्रिक देखते हैं। चेतन ने सब अरेंज कर दिया है, यानी कि चेतन भगत की एक नई बुक आ रही है जिसका नाम है वन अरेंज मर्डर। ठीक है, आज हमने 22nd और 23rd अगस्त की करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।